तो हाय फ्रेंड, मैं कुणाल स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरा छोटी सी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ये जो एलईडी बल्ब के लिए एक प्रोटेक्शन होल्डर, जो कि इसको प्रोटेक्ट करे और फ्यूज होना दे और ये इसको चलाए लॉन्ग लाइफ। तो वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब बारिश का टाइम में आता है या कुछ भी दूसरे टाइम में भी, हमारा जो करंट स्पार्क होने लगता है सिंगल फेज हो जाता है और ज़्यादातर के गाँव के तरफ करंट स्पार्क होने लगता है। तो इसीलिए मैं आज बनाऊँगा एक प्रोटेक्शन होल्डर जो कि ये बल्ब को प्रोटेक्शन करे और जो बल्ब 1 साल 1.5 साल तक चल रहा था वो उसको 3-4 साल तक चलाए बिना फ्यूज हुए। चलिए, इसका लंजिविटी बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के दिखाता हूँ बना के एक प्रोटेक्शन वाला होल्डर। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए मैं मेरे पास एक देखिए होल्डर है। ये होल्डर को मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, ऐसा आप लोग के घर में भी होगा और वायरिंग के अंदर भी हो सकता है, और जो वॉल होल्डर होता है उसको भी खोल के आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या करना है फ्रेंड। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। फ्रेंड अगर आप लोग नया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, क्योंकि ऐसा हर रोज़ मेरा चैनल में टेक्निकल वीडियो आता रहता है फ्रेंड। तो चलिए, ये होल्डर जो मेरा है अलग हो गया अभी। तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, देखिए एक सिंपली सा कैपेसिटर ले लेता हूँ। ये फैन में लगता है कैपेसिटर, 2.50 का कैपेसिटर है। इसका प्राइस जो है 20-25 रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड दुकान से। तो देखिए, ये सिंपली सा कनेक्शन है। आप लोग भी आपका घर में ये कनेक्शन करके आपका जो एलईडी बल्ब को इसका लाइफ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 3-4 साल से ऊपर चलेगा ये। तो चलिए, तो फ्रेंड देखिए ये मेन लाइन का तार है, इसको मैं क्या करता हूँ इसका अंदर लगा देता हूँ और ये दो भी लगा देता हूँ इसका अंदर। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये दोनों जो तार है, ये दोनों में से कौन सा भी एक तार को इसमें जोड़ लेना है। ठीक है फ्रेंड, सिंपली सा जोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये दो तार हमारे पास हो गया है। इसका मैं डिटेल्स बता दूंगा ये कैसा काम करता है फ्रेंड, आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए। मैं सब डिटेल्स दे रहा हूँ कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो चलिए एक होल्डर में ये वाला तार को फिटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड ये सिंपली सा ट्रिक आप लोगों का बहुत काम आएगा फ्रेंड, आप लोग एक बार ये ट्रिक को करके देखिए। अगर काम नहीं हो रहा तो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, ये जो एक कैपेसिटर इधर लगा दिया है और इधर से होके सीरीज जैसा होके इधर आएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर से होते हुए ये लाइन कैपेसिटर में फिल्टर होके इधर आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाले जो होल्डर का पॉइंट में लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही हो गया। तो ये जो हमारा जॉइंट है इसमें मैं टेप लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये जॉइंट को मैं कर देता हूँ अंदर और इसके बाद देखिए ये होल्डर का लगा देता हूँ फ्रेंड। इससे लगाने के आगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फ्रेंड, ये जो करंट आ रहा है इसमें एक न्यूट्रल आता है और एक फेज आता है, आप लोगों को भी पता है। तो मैं क्या किया, इसमें से एक तार को न्यूट्रल या फेज दो तार से एक तार को मैं डायरेक्ट होल्डर में लगा दिया, और एक देखिए इसमें से एक तार को ये कैपेसिटर का एक तार जॉइंट कर दिया और एक तार देखिए इसका अंदर लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, ऐसा क्यों लगाया है फ्रेंड आप लोग को समझा देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर का काम करता है, मतलब कि जो भी करंट अप डाउन रहता है तो इसका अंदर से वो अच्छा तरीके से इसको करंट फिल्टर होके जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर ये वोल्टेज अप डाउन का प्रॉब्लम होता है तो ये फिल्टर होके अच्छा करंट देगा इसको। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ फ्रेंड। ये बहुत ही सिंपली तरीका है, इसको आप लोग भी जाएं इसको कनेक्शन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। इसको तो मैं कर दिया हूँ कनेक्शन, आप लोग के मैं दिखाता हूँ टेस्ट करके ये कैसा ग्लो करता है।
तो देखिए इसके लिए मैं एक बोर्ड लाता हूँ, देख सकते हैं इसमें लगा दिया हूँ। ये डायरेक्ट कनेक्शन है, सीरीज नहीं है फ्रेंड। तो देखिए ये होल्डर में ये बल्ब का लगा देता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये कैसा ग्लो कर रहा है, अच्छा तरीके से ग्लो कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए आप लोग भी ज़रूर लगाइए इसको, अगर आपका करंट प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बल्ब फ्यूज हो जा रहा है, 4 साल 5 साल तक ये चलेगा बिना फ्यूज हुए, ठीक है फ्रेंड। इससे बदले आप लोग ये बल्ब के बदले आप लोग जो नाइट लैंप है आप उसको भी ये होल्डर में लगा के चला सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छा तरीके से ग्लो कर रहा है, इसका जो लाइट रोशनी है सेम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जब बल्ब है वो फ्यूज होने से बच जाएगा और ज़्यादा लंजिविटी इसका बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड। आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।